हाल ही में मकबूल अदाकार आरेज अहमद और अहलिया अदाकारा हिबा बुखारी निदा यासिर के रमजान शो में शरीक हुए, जहां दोनों ने करियर समेत दीगर मामलात पर खुलकर बातें की। एक सवाल के जवाब में दोनों ने एतराफ़ किया कि शादी के बाद दोनों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां आईं। हिबा बुखारी ने बताया कि उनके मुकाबले उनके शोहर ज्यादा पुरसकून रहते हैं, वो गुस्सा कम करते हैं, जबकि वो अहले खाना के साथ घुल मिल जाने वाले शख्स हैं। उन्होंने शोहर की तारीफें करते हुए कहा कि वो उनसे बेहतर अदाकारी भी करते हैं, वो ज्यादा प्रोफेशनल है। आरेज अहमद ने भी बीवी की तारीफें करते हुए कहा कि शादी के बाद उनमें ठहराव आ गया है, पहले वो जल्दबाजी से काम लेती थी लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती। एक सवाल के जवाब में आरेज अहमद ने बताया कि बज़ाहिर वो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। साथ ही उन्होंने कहा कि दरहकीकत वो और उनकी अहलिया दोनों ही पैसे नहीं बचा पाते, लेकिन उनकी बात पर जब हिबा बुखारी ने मुदाखलत की तो आरेज अहमद ने एतराफ़ किया कि उनकी अहलिया उनसे ज़्यादा पैसे कमाती हैं। आरेज अहमद का कहना था कि हिबा बुखारी उनके मुकाबले ज़्यादा कमाती हैं, इसलिए उनकी बचत भी ज़्यादा होती है। साथ ही आरेज अहमद ने निदा यासिर को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या वो अपने शोहर अदाकार यासिर नवाज से ज़्यादा पैसे नहीं कमाती, जिस पर मेज़बान ने टाल मटोल से काम लिया। ख्याल रहे कि हिबा बुखारी और आरेज अहमद ने जनवरी 2022 में शादी की थी।